यानी जी क्या सरकारी अस्पताल। इनकी लापरवाही का दंश झेल रहे एक परिवार ने अस्पतालों की पोल ही खोल कर रख दी। डेढ़ साल से लगातार इलाज के बाद भी डॉक्टर नहीं पता लगा पाए कि इनके पैर में आखिर क्या है। ऐसा ही वाकया हुआ है बुधनी के एक 52 वर्षीय नारायण सिंह के साथ, जिनके पैर में डेढ़ साल से चप्पल का टुकड़ा घाव में रहा और जब उनकी पत्नी ने वो टुकड़ा निकाला तो उसका खुलासा हुआ। दरअसल बुधनी के नारायण सिंह, जो कि मामा के नाम से जाने जाते हैं, अपना लोडिंग ऑटो से घर का पालन पोषण कर रहे थे। उनके दो बेटे जो पढ़ाई कर रहे थे, एक दिन चौराहे पर चाय की चुस्की लगाते समय अज्ञात मोटरसाइकिल ने उनके पैर में टक्कर मार दी। उसके बाद अस्पताल का दौर जारी रहा। होशंगाबाद के हॉस्पिटल सहित अन्य जगहों पर भी इलाज कराया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। दरअसल उनका घाव सही होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार डेढ़ साल बाद उनके घाव से उनकी पत्नी देवकी ने उनके घाव की ड्रेसिंग करते समय उनके घाव में कुछ सख्त चीज दिखाई दी और दोनों पति पत्नी की हिम्मत से उस चीज को निकाल लिया, जो कि उनके चमड़े की चप्पल का टुकड़ा था। तो हम लोग लेके ही नहीं गए बच्चे, यहाँ से पड़ा रहा। तो अभी परसों के रोज यहाँ दोस्त है मेरा, यहीं बुधनी का, नर्मदा का लड़का, वो उसी के साथ बैठा था, ये कांडू हुआ पीछे। तो वो आया, बोले मामा हो गए ठीक, मैं नहीं हो रहा यार भांजे, ये बस बच्चे घर मेरे को ले आए। जब घर लाए तो फिर मैंने ये विनोद को हॉस्पिटल में, कंचे जी मामा है, ये थाने के बाजू में आपके पंडित हैं तीनों चारों भाई, वो भी आए, बोले मामा ये निकल नहीं रही। मैंने कहा यार भांजे क्या करें इसका, डॉक्टर तो मना करते हैं भैया, पैसे कहाँ तक दें अपन, गरीब आदमी इतना अपने कहने, अब सब तो धुल गए अपन, बहुत होता है साला 14-15 महीने। अब बैठा हूँ जब से मैं दुकान में, तो ये शाम को यहाँ बैठा हुआ था मैं, तो बैठे बैठे उसको पकड़ के मैं हिलाता रहा। तो ये दोनों भांजे थे जो थाने में पीछे रहते पंडित जी, दो तीन चार भाई वो बैठे थे, नहीं मामा वो चिल्ला, नहीं मामा मत करो, उसको हिलाए और मैंने आँख बंद कर जो इसको जोर से खींची तो ये पूरी बाहर आ गई। बाहर आई तो एकदम खूना खान हो गया। फिर ये मेडिकल पे भागे, मल्लम पट्टी लाए, बोले वो मामा ने हड्डी खींच डाली, हड्डी खींच डाली। बस फिर मेरे को बच्चे सोए रहे, बशीर भाई के यहाँ ले गए, तो फिर चेक करा, बोले मामा ये हड्डी नहीं, ये चंडिल है आपकी। इस दौरान इलाज कराने के लिए ये गरीब दंपति ने कर्ज लिया, जिसकी वजह से उनके बेटों की पढ़ाई भी बंद करनी पड़ी और रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। अब नारायण सिंह और उनकी पत्नी दोनों वही बैठकर सब्जी बेच रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही से उनके इस दौरान काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। घाव से भले ही चप्पल का टुकड़ा निकल गया हो और अब धीरे धीरे उनके घाव को भरने के लिए एक बार फिर इलाज शुरू किया गया है, लेकिन निजी अस्पताल में हुई उनके साथ लापरवाही से आज उनका पूरा परिवार जिस दौर से गुजर रहा है, उसे अब पटरी में आने तक कितना समय लगेगा ये समय बताएगा। लेकिन अब उन्होंने अस्पताल में किए गए इस वाकये से अस्पतालों पर सवालिया निशान लगाया है। जैसे तैसे इलाज करवाया, उसी वक्त फिर बच्चे उनकी पढ़ाई का एडमिशन के लिए हमारे कहने फीस के इतने पैसे नहीं बचे थे, सब इनकी गोली दवाई में लगाए पूरे। फिर इसके बाद दो जगह से 10-10 हज़ार रुपये उठाए, वो भी इनकी गोली दवाई में लगाए। आज भी मेरा लड़का साल भर से ऐसे ही घूम रहा है, उसकी कोई पढ़ाई नहीं, पूरी पढ़ाई चली गई इनकी गोली दवाई की और इनके इलाज के वजह से। और इतने की दुकान साल भर दुकान बंद करनी पड़ी हमें, सब्जी के लायक पैसा ही नहीं था कि इसमें सब्जी की दुकान लगा सके अपन। फिर इसके बाद फिर और कर्जा लिया 10-12 हज़ार का, फिर सब्जी की दुकान चालू करी। इसमें डॉक्टरों की मानते, अगर पहले से ही वो अच्छे से देख लेते इनको।